माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज महिमा का चौथा भेद माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। कुछ ऐसे कैथोलिक लोग भी हैं जो इस बात पर विश्वास करने में बहुत मुश्किल पड़ता है। जैसे अब तक जितने भी क्लासेस मैंने लिया, 18 क्लास ले चुका है रोसरी माला का, 18 भेदों पर, रहस्यों पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया बीती 18 दिनों से। आज 19वां क्लास है। जिसे हमें मालूम है रोसरी माला का शुरुआत आनंद का जो भेद है, पहला और दूसरा जो भेद है, माता मरियम गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम के पास संदेश सुनाने के लिए आया, वो गर्भधारण करता हुआ, और वो गर्भवती माता मरियम दूसरे भेद के अंदर अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ से मिलने के जा रहा है। अर्थात आनंद का, रोजरी माला का जो शुरुआत का जो दो भेद है, स्टार्टिंग वाला, वो दो भेद माता मरियम से जुड़ा हुआ था। इसको कहते हैं रोजरी माला का ओपनिंग, चाबी। अभी हमारा 20 भेद खत्म होने वाला है, 18 हो चुका है, 19 और 20। जैसे शुरुआत में दो भेद माता मरियम से जुड़ा हुआ था, उसे स्टार्ट किया, खोल दिया, अब उसको बंद करना है, क्लोज करना है, रोजरी माला को एंड करने वाला है। इसलिए लास्ट का फिर से दो भेद माता मरियम से जुड़ा हुआ है। मुक्ति कार्य में इसका क्या अर्थ है, इसको भी मैं सिखाऊंगा। ईसा मसीह का मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए स्टार्टिंग में दो माता मरियम से जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार दो अभी आखिरी में माता मरियम से जुड़ करके। सबसे पहला है माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण, असम्पशन कहते हैं। माता मरियम के जीवन के अंत में शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गए, ये आदिम कलीसिया से विश्वास करते हुए आए। मैं इसके ऊपर भी कई क्लास ले चुका है। इसमें दो जो टीचिंग्स जो चल रहा है कलीसिया में, शुरू से जो चलने वाला दो टीचिंग ने दो ट्रेडिशन बोल सकता है, दो ट्रेडिशन जो चल रहा है, एक एफेसुस ट्रेडिशन कहते हैं, दूसरे एक जेरूसलेम ट्रेडिशन कहते हैं। क्योंकि ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के बाद ईसा मसीह ने क्रूस पर से माता मरियम को, उनके सबसे प्यार करने वाले शिष्य योहन को सौंपा था। योहन ने माता मरियम को इसके बाद अपने पास रखा हुआ था। तो सबसे पहले वे यरूशलेम में रह करके प्रभु का साक्षी बना। इसके बाद योहन और माता मरियम एफेसुस जाकर के वहां पर रहा। एक ट्रेडिशन ये कहते हैं वहां रहते वक्त माता मरियम का इस संसार का जीवन का अंत और स्वर्ग में उद्ग्रहण ये सब हुआ करके, लेकिन उसको एफेसुस ट्रेडिशन कहते हैं। एफेसुस में भी कहा जाता है माता मरियम के एक खबर और ऐसा एक चर्च सब बना हुआ है। उसी प्रकार यरूशलेम में भी माता मरियम का एक खबर है, इसको यरूशलेम ट्रेडिशन कहते हैं। उसके अनुसार क्या कहते हैं, नहीं, एफेसुस से माता मरियम मृत्यु के पहले यहां आ गया था,
यह से फिर उनका स्वर्ग में उद्ग्रहण सब हुआ। कलीसिया इस झंझट में नहीं पड़ा, लेकिन एक सत्य बात आदिम काल से जो विश्वास करते हुए आ रहे हैं, माता मरियम इस संसार के जीवन के अंत में शरीर के साथ स्वर्ग में लेकर गया। कैटेकिस्म ऑफ कैथोलिक चर्च 966 के अंदर, 966 के अंदर इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर करके दिया हुआ है। संत पापा पीयूस 12वें ने एक डोगमा बनाया 1950 में माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का जो डोगमा बना करके उन्होंने भी घोषणा किया, क्योंकि कई लोग वो ये बाइबल में ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा है ये बोल करके कुछ लोग उसके ऊपर टिप्पणी करना अस्वीकार करना सब शुरू किया। तब कलीसिया ने उसके ऊपर स्टडी किया और उसके लिए डॉगमा बना करके आधिकारिक रूप से इस बात को सिखाया। अभी पहली बात है माता मरियम के स्वर्ग में जाना। अभी तक का 18 क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा सब बाइबल से उठाए, बाइबल में वो घटना बताया हुआ है, लेकिन माता मरियम के स्वर्गारोपण के विषय में, स्वर्ग में उद्ग्रहण के विषय में बाइबल में डायरेक्टली कहीं भी नहीं बोला है। लेकिन मैंने कई बातें अभी पुराने विधान में उसके विषय में लिखा हुआ होना चाहिए, पुराने विधान का कुछ घटना है या भविष्यवाणियां, और नया विधान में कुछ ऐसे दिखना चाहिए जिसको मैंने बोला था टाइपोलॉजी बोलते हैं उसको, टाइपोलॉजी वहां का इसके साथ वो तुलना करते हुए। वो जैसे उदाहरण के लिए ईसा मसीह के जो बलि और जी उठने के विषय में मैंने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में अब्राहम इसहाक की बलि अर्पित करने के साथ जोड़ करके बताया, उसको टाइपोलॉजी कहते हैं। जैसे मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने इसराइली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा करके लाल सागर को विभाजित कर कनान देश में लेकर के आना, उसको ईसा मसीह पापियों को बचाने का वो जो कार्य बपतिस्मा के द्वारा हम मानव जाति को कृपा मिल रहा है, ये पानी लाल सागर को विभाजित करना या यर्दन नदी को विभाजित किया उसको बपतिस्मा का प्रतीक के रूप में, और कनान देश में लेकर के गया वो स्वर्ग राज्य में लेकर के जाने के प्रतीक में, ऐसे ऐसा। और ईसा मसीह संसार में आकर के हमें पाप की गुलामी से मुक्ति दे करके बपतिस्मा के द्वारा मसीह के शरीर का अंग बनकर के हमें स्वर्ग राज्य दिया, इसके ये टाइपोलॉजी। इस प्रकार अनेकों टाइपोलॉजी हम लोग उठाते हैं ये शिक्षा देने के लिए, ईसा मसीह मुक्तिदाता है स्वीकार करने के लिए और इसको सिखाने के लिए, इसको टाइपोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने बोला माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कुछ टाइपोलॉजी वहां पर हम उठा सकते हैं। कुछ टाइपोलॉजी क्या क्या है, सबसे पहले मैं उठाना चाहूंगा प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 11 वाक्य 19 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 19 में लिखा है, तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया, मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। ईश्वर के विधान की मंजूषा स्वर्ग में मंदिर जब खुला वहां पर दिखाई पड़ी। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 9 हिब्रूस चैप्टर 9 वाक्य 3-6 तक पढ़ेंगे, इस मंजूषा के विषय में लिखा हुआ है, मंजूषा में क्या क्या रखा हुआ है। तीन चीजें इसका कई क्लास ले चुका है, मंजूषा नए विधान की मंजूषा मरियम में करके सब, तीन चीजें हैं उनमें से मुख्यतः क्या है, वचन। दो पत्थर जो 10 कमांडमेंट्स लिखा हुआ उसको रखता था, वहां पर ईश्वर का उपस्थिति
ये वचन मांस धारण कर मरियम में निवास किया, मरियम में ईश्वर का निवास स्थान मैंने किया, इसलिए मरियम को नया विधान का मंजूषा के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। वो मंजूषा कहां दिखाई दिया? स्वर्ग में दिखाई दिया, जब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया, वहां पर मंजूषा दिखाई दिया करके हम लोग पढ़ते हैं। इसको साबित करने के लिए पुराना विधान का और वचनों को भी हमें उठाने की जरूरत है। माता मरियम के इस स्वर्गारोपण को नए विधान के अंदर भी ईसा मसीह ने भी सिखाया, मृतकों का जी उठने के विषय में स्वयं ईसा मसीह ने योहन्न का सुसमाचार 11:25 से आगे यही सिखाया, पुनरुत्थान और जीवन में हो, जो मुझ में विश्वास करता और मरता हो जीवित रहेगा, वो कभी मरेंगे नहीं। ये सब सिखाने वाला ईसा मसीह स्वयं है। और साथ ही साथ योहन्न का सुसमाचार दिया है 5 में वाक्य 28 और 29 में शरीर का जी उठने के विषय में ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया। और संत पौलुस तो कई जगहों पर सिखा रहा है, कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 15:51-53 तक, फिलिपियों का पत्र दिया है 3:21 में, हमारा स्वदेश यह नहीं है स्वर्ग राज्य है, सबों का स्वर्ग राज्य में जाने के विषय में, और जी उठने के बाद हम स्वर्गदूत जैसे दिखाई देगा इसके विषय में, तसलीनियों का पहला पत्र दिया है 4:16-17, अनेकों जगहों पर ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन पुराना विधान का कुछ बातें हम लोगों को उठाना जरूरी है, तभी तो टाइपोलॉजी में हम लोग ये बोल सकता है हाँ यहां पर भी ये लिखा है, इसलिए ये है। सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ 3:15, कई बार हम लोगों को इसके ऊपर मनन चिंतन करने का अवसर मिला, उसको प्रोटो इवांचिलियम कहते हैं। सबसे पहले जो सुसमाचार घोषणा किया वो यही है, ईश्वर मनुष्य बनकर के, स्त्री का संतान पुत्र बनकर के, शैतान का सिर कुचलने का, पाप को मिटाने का जो घोषणा, जो सद जो सुसमाचार सुनाया गया वो है प्रोटो इवांचिलियम 3:15 के अंदर। वहां पर जिस प्रकार वो पुत्र शैतान पर पाप पर विजय प्राप्त करता है, ईसा मसीह ने क्रूस मृत्यु के द्वारा वो विजय प्राप्त किया, मर करके पाप का जो प्रायश्चित कर उन्होंने मानव जाति को पाप से मुक्ति दिया, पाप के ऊपर इस प्रकार विजय प्राप्त किया। अभी मृत्यु पर विजय प्राप्त इसके बाद कर रहा है। माता मरियम को इस कार्य के लिए स्त्री का संदान, उस स्त्री को इस्तेमाल करने के कारण, इसका मतलब ईसा मसीह के मुक्ति कार्य पर एक प्रकार सह मुक्तिदायिका के रूप में वहां पर हम लोग माता मरियम को देख रहा है। केवल पाप मुक्ति, वो मुक्ति कार्य में नहीं, जैसे ईसा मसीह पाप पे विजय प्राप्त किया वहां के लिए माता मरियम को सह मुक्तिदायिका के रूप में, इसके बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ईसा मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, प्रभु ने माता मरियम को उसमें भी सम्मिलित करता हुआ हम लोग विश्वास करते हैं। उसके लिए स्तोत्र ग्रंथ 132 का वाक्य 8 को मैं पढ़ना चाहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ 132 साम 132 उसका वाक्य 8, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु तू अपनी तेजस्वी मंजूषा के साथ, ध्यान से सुन लीजिए, प्रभु तू अपनी तेजस्वी मंजूषा के साथ अपने स्थाई आवास को चल, अपने परमानेंट स्थान पर, इसका मतलब ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के समय
उस स्थान पर अपने मंजूषा को भी लेकर के चलो करके बोल रहा है। इसका मतलब ईसा मसीह के जिस प्रकार पुनरुत्थान हुआ, इसके बाद स्वर्गारोहण हुआ, उसी प्रकार यहां पर ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पूर्व में दाऊद के द्वारा घोषणा करते हैं कि उस मंजूषा को भी अपने उस मंदिर में परम स्थाई आवास पर ले चलो। यही हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 में पढ़ते हैं, वाक्य 19 के अंदर। मंदिर खुल गया, उस मंदिर में ईश्वर का मंजूषा दिखाई दिया। अभी एक और वचन नए विधान से भी उठाना चाहूंगा, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 में स्वर्गदूत गब्रियल आकर के माता मरियम का अभिवादन क्या बोल करके, हर ट्रांसलेशन में अपना अपना तरीके से ट्रांसलेशन किया। जैसे हिंदी में प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री, हम प्रार्थना करते वक्त प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण ऐसा बोल करके, उस शब्द को हाईली फेवर्ड, जैसे हिंदी में कृपा पात्री, कृपा से परिपूर्ण, हाईली फेवर्ड एक कर करके जो लिखा हुआ है। तो माता मरियम को स्वर्गदूत गब्रियल बोलते हैं सबसे ज्यादा ईश्वर के नजर में फेवर मिलने वाली, वो कौन सा फेवर है? ईश्वर की मां बनने का फेवर मिल गया, दूसरा अपने पुत्र के समान निष्कलंग गर्भागमन उनका हुआ, उनके मां के गर्भ में पुत्र के योग्य बनने के लिए उनका पाप अपराध जो जन्म पाप सब हटा करके जन्म विशुद्धि में उनका जन्म देने का, इसके बाद मृत्यु के समय पर पुत्र के समान उनको शरीर आत्मा के साथ स्वर्ग में जाने का फेवर मिला। इसलिए बोलते हाईली फेवर्ड, फुल ऑफ ग्रेस, कृपा से भरपूर है, वहां कोई पाप का स्थान नहीं, कुछ नहीं, ईसा मसीह के समान, ईसा मसीह के योग्य वो स्थान भी माता मरियम को देता हुआ हम यहां पर उसका भी एक्सप्लेनेशन में सीख सकते हैं। तो कई वचनों को मैंने उठा करके ये बताया, चाहे स्तोत्र ग्रंथ 32:8 का हो, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 से हो, या लूकस का सुसमाचार अध्याय 26 को उठाया, या शरीर के साथ उद्ग्रहण के विषय में कई वचन को नया विधान में भी और पुराना विधान में भी, चाहे दानियल का ग्रंथ हो, कई जगहों पर लिखा हुआ है वो शरीर के साथ स्वर्ग में उद्ग्रहण के विषय में, और साथ ही साथ चाहे नबी एलिया का घटना राजाओं का ग्रंथ अध्याय 2:11 का, या उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 के अंदर हनोक के विषय में जो लिखा हुआ, अगर ईश्वर का फेवर्ड था हनोक या एलिया, उनको शरीर आत्मा के साथ स्वर्ग लेकर के गए, ये सब एक टाइपोलॉजी, मतलब पुराना विधान में वो दिखाया, उसको नए विधान में ऐसा होना है इसलिए दिखाया है। पुराना विधान में क्यों दिखाया? नए विधान में ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में वो कार्य होना है इसलिए दिखाया गया। दो जन को इस प्रकार शरीर आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा लेता हुआ पुराना विधान बता रहा है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया 1950 में आधिकारिक रूप से डॉक्मा बनाते हुए सिखाया, माता मरियम के संसार के अंत में शरीर आत्मा के साथ उठा ले गए उनके उद्ग्रहण, और वहां पर जाकर के वो हमारे लिए एक मध्यस्थ बन रहे, जैसे ईसा मसीह मैंने कल के क्लास में बोला स्वर्गारोहण के बाद वो मध्यस्थ बन रहा है, उसी प्रकार माता मरियम की मध्यस्थता कलीसिया को भी मिल रहा है। तो ये टाइपोलॉजी के द्वारा कलीसिया इस घटना को सिखाते। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। महिमा का चौथा भेद, माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण। माता मरियम के इस जीवन के अंत में
ईश्वर ने उन्हें शरीर आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा लेगी, जिस प्रकार हेनोक को ईश्वर ने उठाया, जिस प्रकार नबी एलिया को ईश्वर ने उठाया। ईश्वर की मां बनने की कृपा मिलने वाली उस मां को भी उसी प्रकार स्वर्ग में उठा लेगे, ये ईश्वर की इच्छा है, ये हम विश्वास करते हैं। इसके द्वारा मुक्ति कार्य में हर एक व्यक्ति जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करेगा और ईसा मसीह के समान जीवन जी करके जो मृत्यु को ग्रहण करते हैं, उन सबों के लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। ये सुंदर जो बात हमें सिखाते हैं, हर एक मनुष्य जो क्रिस्त में विश्वास कर मुक्ति प्राप्त कर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, इसका एक उदाहरण है माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण के द्वारा, उठा लेने के द्वारा हम सीखते हैं, हम सिखाते हैं। हम विश्वास करें माता मरियम के समान पवित्र जीवन, विश्वास का जीवन, भक्ति का जीवन, विनम्रता का जीवन, सेवा कार्य का जीवन जीने का हमें भी कृपा मिले, जैसे माता मरियम पवित्र आत्मा से भर करके जीवन जिया, ईश्वर के पुत्र को जन्म देने के लिए उपकरण बना। हम भी इसी प्रकार अपने जीवन के द्वारा अनेकों को क्रिस्त में जोड़ने का, क्रिस्तीय समुदाय में उनका जन्म होने का हम कार्य करेंगे। निर्णय कीजिए, प्रभु उसके लिए हमें कृपा दे, आशीष दे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।